This is an ABP Life podcast. बांग्लादेश में इन दिनों भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया जा रहा है। विपक्षी दल इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हालांकि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि देश में उनके विरोधी जो अभियान चला रहे हैं वे पहले साड़ियां पहनना छोड़ दें। जो विपक्षी नेता हैं नारी वो भी भारत की साड़ी पहनती हैं और विपक्षी नेताओं की पत्नियां भी। तो शेख हसीना ने कहा है कि विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर अपनी पत्नियों के पास मौजूदा भारतीय साड़ियों को जलाएं, तब इस पर आगे की बात होगी। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे डॉक्टर संजय भारद्वाज के साथ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या चल रहा है बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात? देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को समझना है और भारत और बांग्लादेश को समझना है तो दो तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि हम भारत और बांग्लादेश दोनों ही एक ही इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक सिस्टम के पार्ट हैं। हमारा आपस में एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं, सांस्कृतिक रिलेशंस हैं, पहनावा खान पान वो भी सब समान है, चाहे वेस्ट बंगाल को देखिए चाहे बांग्लादेश को देखिए। तो इसमें कोई इसमें किसी तरीके की भिन्नता देखने को नहीं मिलती। निश्चित रूप से जो भारत का बंगाल है वो हिंदू डोमिनेटेड रहा है और जो बांग्लादेश का बंगाल जो बांग्लादेश में आता है वो मुस्लिम डोमिनेटेड रहा है। लेकिन जहाँ तक भारत के पक्ष की बात है और भारत के विरोध की बात है तो इस बात को हम इस एंगल से देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश का सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है वो वर्टिकली दो फोर्सेस में, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइडेड है। एक जो है जो सिविलाइजेशनल एफिनिटीज की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है और वो कहता है कि हमारे आपस में हर तरीके के संबंध हैं, तो वो एक लीनियंट, एक सपोर्टिव पॉजिटिव एटीट्यूड भारत के प्रति हमेशा रहा है। उसको हम कहेंगे कि जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं ये, और बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसको अवामी लीग का नेतृत्व प्राप्त है। दूसरी जो फोर्स है जो रिलीजन बेस्ड राजनीति करती है और जिसको बीएनपी की खालिदा जिया और बीएनपी उनका वर्चस्व प्राप्त है। जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंस है वो अपने आप को पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक मानते हैं और धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं, उसका राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहते हैं। उस राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए भारत विरोध का हमेशा एक नारा देते हैं, एक जुमला तैयार करते हैं, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करते हैं। ये खासकर ये 1947 से ही आपको देखने को मिलेगा कि जो बंगाल में दो फोर्सेस हमेशा रही हैं, एक संस्कृति की बात करती है, एक धर्म की बात करती है। 1971 में भी ये साफ साफ रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन चूंकि 1975 में दोबारा से वहाँ पे सैनिक शासन आ गया और पाकिस्तान के कदमों पे चलने लगा तो वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार हो गया। और जो अभी ये मसला चल रहा है इसमें उसको इसी परिदृश्य में देखना चाहिए कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्स है बांग्लादेश में, जिसको खालिदा जिया और उनका बेटा जो तारिक रहमान लंदन में बैठा हुआ है बीएनपी चला रहा है, वो अपने क्योंकि वो राजनीतिक रूप से छीन हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए, सत्ता को में आने के लिए इस तरीके के जुमलों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने अब इस तरीके का की नकल करने की कोशिश की। हालांकि पहले भी रहा है कि जैसे अभी मालदीव में एक सवाल आया इंडिया आउट का, तो उस तरीके से अपने यहाँ भी उसको अपनाने की कोशिश की। और ये दक्षिणी एशिया में ये प्रचलन है कि आप श्रीलंका में जाएंगे, राजपाक्से ब्रदर भी उन्होंने भी भारत एक के से दूरी रखने का प्रयास किया, उसको चाइना को बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में लाए। नेपाल में केपी ओली ने यही कार्ड खेलने का कोशिश किया। तो इसी तर्ज पे बांग्लादेश में खालिदा जिया और आप ये कहिए तारिक रहमान की बीएनपी है, वो इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी मजबूती और अपने पोलिटिकल प्रमाइज को मजबूत करना चाहती है। लेकिन हकीकत और ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो ये बात पॉसिबल नहीं है। दो तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तीन बातें खासकर। पहली बात कि अगर
भारत विरोध की बात हो जाती, तो ये बात मान के चलिए कि अगर भारत की वस्तुओं का वो बायकॉट करते हैं तो जो भारत में जो जो बांग्लादेश में जो प्राइसेस हैं, जो खासकर जो डेली उपयोग की का, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, दाल हो, मसाले हो, ये बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन है, जो गुड्स का इन्फ्लेशन है, वस्तुओं का जो 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 मुद्रा, उसको उसको स्थायी रखने का रखते हैं, अगर जिस दिन भारत की वस्तुओं का उपयोग बंद कर देंगे तो 30% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि वही हालात हो जाएगा जो श्रीलंका में फूड क्राइसिस हुआ था और पाकिस्तान में फूड क्राइसिस हुआ था। तो ये बात ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात की जो आज बांग्लादेश दम भर रहा है कि डेवलपमेंट की बात कर रहा है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो दक्षिण एशिया में हो गई है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उसमें खासकर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में आए हैं, चाहे वो चीन समर्थित हो, जापान समर्थित हो, भारत समर्थित हो, लेकिन जितना भी मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो जाता है वो भारत से जाता है, चाहे उसमें चूना हो, रोड़ी हो, पत्थर हो और बाकी जो सब चीज़ें जाते हैं, वो भी अगर भारत से अगर आपने बायकॉट कर दिया तो वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा और जो इकोनॉमी है वहाँ पे वो छीन होने लग जाएगी, जो कि परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तीसरी बात की वहाँ पे जो कपड़ों का भी उद्योग है, जूट है, उसमें भी बहुत कुछ हद तक जो रॉ मटेरियल है वो भारत से जाता है, तो जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है बांग्लादेश के लिए। 70% वहाँ का जो फॉरेन रिजर्व्स रेडीमेड गारमेंट्स से आता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो चौथी बात, जो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात आप मान के चलिए कि बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश का जो जो उद्योग चलते हैं उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और भारत आज के दिन बांग्लादेश को 1400-1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है और आगे इसको 2200 मेगावाट करने की बात है। तो भारत का अगर बायकॉट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी करेंगे, रॉ मटेरियल का भी करेंगे, जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनका भी करेंगे, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी एकदम पैंदे में चली जाएगी, उनका पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा। तो ये बात आप सोचने की बात नहीं है कि बांग्लादेश, ये राजनीतिक जुमले हैं और बांग्लादेश की सरकार इस बात को समझती है, प्रधानमंत्री शेख हसीना इस बात को समझती है, और ये इस तरीके से कहीं होता भी नहीं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ साथ ही साथ, जब 2001 से 2006 के बीच में जब खालिदा जिया, जो आज ये इस तरीके के जुमलों की बात कर रही है, सत्ता में थी, तो भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड था, गुड्स का ट्रेड था, वो उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं और भारत को भी बांग्लादेश की ज़रूरत है और बांग्लादेश को भी भारत की ज़रूरत है, चूँकि भारत भी बांग्लादेश को एक एक डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में देखता है। हम अगर नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश क्लोक्ड है, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक, जब तक बांग्लादेश का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमने जो अपना डेवलपमेंटल पार्टनरशिप उसको जोड़ के देखा। दूसरी बात, भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जुड़ना चाहता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जुड़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से भारत ये भी देख रहा है कि बांग्लादेश के साथ अच्छी पार्टनरशिप होगी तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती मिलेगी और हम म्यांमार और थाईलैंड और वियतनाम सारे कंट्रीज से मजबूती से जुड़ेंगे, जो कि बांग्लादेश ने भी पार्टनरशिप की तरफ अपना रुझान दिखाया। तो ये बात साफ साफ है कि इस तरीके के जुमले नहीं चलेंगे। आप पॉलिटिकल मैनोवरिंग के लिए और पॉलिटिकल फायदे के लिए आप इस तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में ये चीज पॉसिबल संभव नहीं है। सर, आपने बहुत विस्तार से हमें सब कुछ बताया और यही बात वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कहा कि आप अदरक, प्याज और लहसुन के बिना क्या जी सकते हो, जब वहाँ बीएनपी के संयुक्त सचिव ने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दी, वो नाटक किया। तो आज का दौर परस्पर सहयोग और सामंजस्य का है, लेकिन ये भारत को लेकर लगातार जो पड़ोसी हमारे देशों में, आपने नेपाल का उदाहरण दिया, श्रीलंका का दिया, बांग्लादेश का दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? भारत को लगातार बिग ब्रदर की जगह एक थ्रेट परसेप्शन कैसे क्रिएट हो रहा है? देखिए क्या होता है, मैं उसी प्रमाइस पे बात करूंगा कि जो राजनीतिक फायदे के लिए या अपने जनता को, जो कि जनता को एक तरीके से आईना दिखाया जाता है कि भारत एक रीजनल पावर है, हमसे एसिमेट्री है, चाहे वो मिलिट्री में हो, इकोनॉमी में हो, ज्योग्राफी में एक बड़ा देश है, तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस
इस और माइंडसेट इस आधार पर भी तैयार किया जाता है कि चाइना को आप दक्षिणी एशिया में लेके आ जाइए एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में। और ये बात मैंने उदाहरण दिया कि श्रीलंका में राजपाक्से ब्रदर ने यही किया, अभी मोइजू मालदीव में कर रहे हैं, केपी ओली नेपाल में करने का कोशिश किया, और यहाँ पे खालिद जिया भी यही कि चाइना को एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में यहाँ पे लाना चाहते हैं और चाइना को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं कि चाइना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेगा, बेल्ट एंड रोड के माध्यम से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन दक्षिणी एशिया के देश इस म्यूजिक को देख भी चुके हैं, श्रीलंका में जो हालात हुए वो डेट ट्रैप हुआ उसमें चाइना बहुत बड़ा जिम्मेदार है, पाकिस्तान में आज इतना बड़ा आर्थिक मंदी है और क्राइसिस है उसमें पाकिस्तान किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बात आप मान के चलिए कि चाइना फैक्टर को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ट्रेड के रूप में और इन्वेस्टमेंट के रूप में करें इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको ये बात भी साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है जो शेख हसीना के नेतृत्व में, ये बहुत कॉन्शियसली चाइना के साथ में अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रही है, चाइना के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात कर रही है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, लेकिन उसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है जो बांग्लादेश की इकोनॉमी पे कोई किसी तरीके का एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाले। जो इन्वेस्टमेंट की बात करते चाइना सोना दिया एक डीप पोर्ट डेवलप करना चाहते थे, बांग्लादेश ने मना कर दिया क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं था। उन किसी भी क्षेत्र में चाइना को इन्वॉल्व नहीं करती जो बांग्लादेश के लिए या दक्षिणी एशिया की शांति के लिए सेंसिटिव है, उसमें भी नहीं करती। तो बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है बहुत ही कॉन्शियसली चाइना या जापान या किसी भी देश के इन्वेस्टमेंट को अपने देश में ला रही है, लेकिन उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो इसका असेसमेंट करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है, काम कर रही है बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात भारत के साथ ये बात समझती है कि क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का बात हो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, तो निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल पार्टनरशिप बांग्लादेश ने भारत के साथ डेवलप की है, और मुझे लगता है उसको आगे ले जाने का पूरा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, और चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा वाइबल दक्षिणी एशिया और बांग्लादेश के लिए नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तार से हमारे साथ बातचीत की, थैंक यू वेरी मच। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।